हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIQ। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के ये पार्ट टू है। पार्ट वन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल और स्टेट फ्लावर और स्टेट ट्री के बारे में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप MIQ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति धरोहरों के लिए गौरवान्वित रहा है। अतः उत्तर प्रदेश को हम निम्न परिदृश्यों से या निम्न एस्पेक्ट से देखेंगे। पहला एस्पेक्ट है ऐतिहासिक परिदृश्य, सेकंड है भौगोलिक परिदृश्य, थर्ड है विविध। सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जो हिंदी में ऐतिहासिक परिदृश्य। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना रहा है। मराठाओं के उत्कर्ष के साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था और यह बहुत प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता के इतिहास के नजरिए से देखें तो सिंधु सभ्यता के अवशेष राज्य के पश्चिमी भाग में आलमगीरपुर, मेरठ से तथा बड़ागांव, सहारनपुर आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। आलमगीर के उत्तर में सिंधुकालीन लोग कपास की खेती करते थे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित था और इसकी खोज YD शर्मा के निर्देशन में की गई थी। अब देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल के दौरान उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी? बौद्ध ग्रंथ अगोत्तर निकाय के अनुसार 6 शताब्दी में ईसा पूर्व में संपूर्ण उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों या महाजनपदों में विभक्त था। इन 16 जनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे, अपितु ये राज्य उत्तर वैदिक काल के राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और विस्तृत थे। लेकिन इनमें से कोई भी राज्य या महाजनपद भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में समर्थ नहीं था। अब देखते हैं 6वीं शताब्दी का मैप्स। ये 16 जनपदों के नाम कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ला, ब्रजी, काशी, मगधा, अंग, चेरी, बादशाह, बत्स, अवंती, अस्का और मत्स्य। अवंती एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा महाजनपद था और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद का विस्तार क्षेत्र और उनकी राजधानी कौन सी थी। तो कुरु मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद तक फैला था और इसकी राजधानी अहिछत्र थी, जो वर्तमान में बहरेली के पास का क्षेत्र है। सूरसेन का शासन मथुरा के आसपास के क्षेत्रों पर था और इसकी राजधानी मथुरा थी। बस्त प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र पर इसका शासन था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल महाजनपद का विस्तार क्षेत्र अवध था और इसकी राजधानी त्रावस्ती थी। मल्ल महाजनपद का विस्तार क्षेत्र कुशीनगर था और इसकी राजधानी कुशीनगर व पावा थी। काशी का विस्तार क्षेत्र वाराणसी में था और इसकी राजधानी भी वाराणसी थी। चेदी महाजनपद का राज बुंदेलखंड में था और इसकी राजधानी सूक्तिमती, जो कि वर्तमान में बांदा जिले का क्षेत्र है। अब देखते हैं भौगोलिक परिदृश्य या जियोग्राफिकल एस्पेक्ट। उत्तर प्रदेश एक सीमावर्ती राज्य है तथा इसकी उत्तरी सीमा नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है। राज्य की सीमाएं 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करती हैं। राज्य के उत्तर में नेपाल स्थित है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक एवं 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद
चौथा स्थान रखता है। इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.33% है। अब देखते हैं भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट तराई तथा भावर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र का निर्माण ककरीली एवं पथरीली मिट्टी द्वारा हुआ है तथा यहाँ नदियों एवं स्रोतों का जल भूमिगत होकर अदृश्य हो जाता है। भावर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर, बिजनौर एवं पीलीभीत आदि जिलों में है। ये देख सकते हैं हिमालय, यहाँ सबसे ऊपर हिमालय से जैसे नीचे आएंगे तो सबसे ऊपर होता है भावर क्षेत्र, यहाँ पथरीली जमीन होती है। फिर होती है तराई का मैदान, जहाँ पर फूल आदि की खेती होती है और भी खेती तरीके कई तरीके फल फूल उगाए जाते हैं। फिर आते हैं नीचे भावर और खादर के मैदान और ये रिवर वैली। महीन अपसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। उत्तर में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया जिले तक तराई का मैदान फैला हुआ है। तराई की पट्टी की चौड़ाई उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस क्षेत्र की जलवायु अवस्थिया कर है। यहाँ प्रमुख रूप से धान एवं गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। सेकंड, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। यह मैदानी क्षेत्र तराई क्षेत्र के दक्षिण में अवस्थित है। इस क्षेत्र का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती आदि द्वारा निक्षेपित मिट्टी, कीचड़ एवं बालू द्वारा हुआ है। संरचना के आधार पर इस मैदानी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट है बांगर और सेकंड है खादर क्षेत्र। तो सबसे पहले देखेंगे बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और वहां पुरानी काली मिट्टी का जमाव होता है। खादर क्षेत्र इसका निर्माण नई जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है और ये क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा प्रभावित होता है। खादर क्षेत्र बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होता है। अब देखते हैं अवबाह्य तंत्र। इसी क्षेत्र विशेष का अवबाह्य तंत्र वहां की भूसंरचना, धरातलीय ढाल, चट्टानों की प्रकृति, जल उपलब्धता आदि के द्वारा प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश में निम्न तीन प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। फर्स्ट टाइप हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, सेकंड टाइप है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, थर्ड टाइप दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। तो फर्स्ट देखते हैं हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। हिमालय पर्वत से निकलती है गंगा, यमुना, गंडक, काली, रामगंगा, ताप्ती आदि नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां तो गोमती, वरुण, पांडव आदि नदियां गंगा के मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां, दक्षिणी पठार से चंबल, बेतवा, केन आदि नदियां दक्षिणी पठार से निकलती हैं। अब देखते हैं नदियों के उद्गम स्थल, कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। यह प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है, प्रयागराज में ही संगम होता मिलता है। चंबल यह जानाबाव पहाड़ी जो कि इंदौर में है वहां से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसके द्वारा अपने मार्ग में बीहड़ों का निर्माण होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां काली, सिंध, पार्वती एवं बनास आदि नदियां हैं, ये आप देख सकते हैं। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मिल जाती है जहाँ संगम देखने को मिलता है। यही है सरस्वती नदी भी होती है, यहाँ तीनों नदियों का संगम देखने को मिलता है। बेतवा नदी बेतवा रायसेन विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। सिंध टोंक जिले में नैनवास के निकट राजस्थान से निकलती है। केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई 308 किलोमीटर है। सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। गोमती नदी पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से निकलती है। अब देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या इसमें हम जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार देखेंगे, क्योंकि 2021 में सेंसस होना था लेकिन कोरोना की वजह से वह पोस्टपोन हो गया है। तो देखते हैं 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़98 लाख 12 हजार 341 थी। पुरुष इसमें पुरुष जनसंख्या थी
10,44,80,510, और महिला जनसंख्या थी 9,53,31,31,831। जनसंख्या घनत्व 829 प्रति व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में 829 लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। लिंगानुपात, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, यहाँ सेक्स रेशियो 912 है। सर्वाधिक सेक्स रेशियो जौनपुर में है, यहाँ 1,000 पुरुषों पर 1,024 फीमेल्स हैं, तो इसका सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। राज्य की साक्षरता दर, राज्य की साक्षरता दर 67.7% है। महिला साक्षरता दर 57.2% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। प्रमुख मेले, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मेले हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं और कौन कौन से मेले जो बहुत प्रमुख हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देवा शरीफ का मेला यह बाराबंकी में लगता है, ये काफी फेमस मेला है। सैयद सालार मेला यह फरुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला यह आगरा में लगता है। नौचंदी मेला ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, यह काफी फेमस है। देवी मेला यह भी काफी फेमस है, यह बाराबंकी में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला यह सहारनपुर जिले में लगता है। यह देवा शरीफ मेला की तस्वीर, यहाँ ये शायद दरगाह है इसीलिए यह फेमस है। अब देखें जनजातियों के बारे में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से थारू है। प्रदेश की सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति बनरावत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला सोनभद्र है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जनजाति संख्या वाला जिला बागपत है। दियावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू ट्राइब है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो इसका सही आंसर होगा थारू। कौन सी जनजाति मुस्लिम धर्म को मानती है, इस ये भी पूछा जा सकता है। माही गीर जनजाति थारू जनजाति की आप फोटो देख सकते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। अब देखते हैं जो पुरानी परीक्षाओं में या पिछली हुए पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है ए है महोबा, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर दीजिए, तो इसका सही आंसर है गाजियाबाद। गाजियाबाद 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है या हिंदुओं जैसी वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी खरवार या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बुक्सा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहती है। ऑप्शन ए 16.51%, ऑप्शन बी है 12.12%, ऑप्शन सी 18.12% और ऑप्शन डी 20.34%। तो इसका सही आंसर है 16.15% उत्तर प्रदेश में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए सूक्तिमती, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी श्रावस्ती या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसे आप मार्क कर लें। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मेरठ, नौचंदी मेला मेरठ जिले में लगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।